देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम राजनीति से पहले मैं पायलट था। मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया। 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको चुनाव में आना था। नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं कि आए यहां पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। हम रुकने वाले नहीं है, अगर उस शादी में बुलाएगा तो वही हम सभा कर देंगे, वही तोड़ फोड़ेंगे उसका, उस बेइज्जत होगा जो जो गेस्ट को बुलाएगा। हम दूसरा टैक्ट आदमी है, अभी हम महुआ की तरफ इधर आ रहे थे तो रास्ते में एक हथियार लेकर के मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के छोड़ नहीं रहा है। ORSS भाजपा BJP का सब चाल है कि उनको षड्यंत्र रचा गया, हत्या कराना चाहता है और शराब का नशा में। अब अभी तक उसको प्रशासन नहीं पकड़ा है, यहाँ तक विधायक और मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या कीमत है? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। जिस तरीके से कोरोना से लोग आहत हैं, लोग मरे जा रहे हैं, घंटों घंटों मौत हो रही है, ऐसे में कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं आप पूरे तरीके से। इसमें आपको एक्शन लेना चाहिए, रातों रात नोटबंदी हो गया, अब वैक्सीन ला रहे हैं, 15 अगस्त को ला रहे हैं वैक्सीन, आप लाइए वैक्सीन। हम मना कर रहे हैं क्या कि आप वैक्सीन मत लाइए? आप आज रात में लाइए वैक्सीन, अगर हाँ आप में दम है तो आप रात में वैक्सीन लाइए। दुम करना चले जाओगे। टिकटॉक हमको पसंद था, लेकिन लगता है आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ है भारत में क्यों नहीं? के बंद होने से एकदम दुख होगा। जो टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोजगार भी तो था, अब पता चला कि टिकटॉक रातों रात बंद हो गया, तो जब टिकटॉक बंद हो गया तो बड़ा खराब लगा हमको भी कि भाई टिकटॉक बंद हो गया, बताइए कैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे। वो वीडियो आपको पोस्ट करते थे तो आप तक पहुंचता था, चैनलों के माध्यम तक पहुंचता था, तो जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ तो उसी रात को हमने लाइकी अकाउंट बना लिया, लाइकी अकाउंट बना लिया, लेकिन लाइकी अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अफसोस हुआ, वो गुस्सा है। डस्टबिन घोटाला बताइए भाई, डस्टबिन घोटाला कर दिया। डस्टबिन ही जो कूड़ा कचरा जो फेंकने का काम होता है वो डस्टबिन घोटाला है, इसने काम किया। LID घोटाला, PPC घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, व्यवस्था नियुक्ति घोटाला, वो घोटाला भाई जनानी घोटाला, जनानी घोटाला, जननी घोटाला काका। ये एकदम निकम्मा विधायक है जिसका नाम तेज प्रताप है। तो आपके पास ही गए थे FIR कराने, तो आप लोग FIR नहीं लिए हैं इनका, आप मजाक बना रहे हैं। क्या मानना पड़ेगा? तो हम झूठ बोल रहे हैं क्या? इस सामने जनता दरबार में आकर के बैठे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं आपको पता है? हम आपसे ठीक तरीके से देखिए बदतमीजी से बात कर रहे हैं। चलिए देखिए दरोगा, आपने कहा कि आप आजीवन राजनीति करना चाहते, कुछ दिनों पहले तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका प्लान था फिल्मों में जाने का, वो कैसे चेंज हो गया या अभी भी प्लान है ऐसा? अरे फिल्म मिलेगा तो कर लेंगे, अब जैसे कैसे समय मिलता है तो ये भी काम कर लेते हैं। ऑलराउंडर वाला बात हमने बताया आपको, तो फिल्म मिलेगा तो फिल्म भी कर लेंगे, इसमें क्या है? पसंद है आपको? एकदम पसंद है। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। तेज प्रताप यादव कैसे पीछे रहेंगे? सबसे पहले तो आप तस्वीर देखिए, उनके आवास पर तेज प्रताप यादव बेहद खूबसूरती से, संजीदगी से वेशभूषा और खासतौर पर कृष्ण अवतार में है, और इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म भी किया है और फिलहाल बांसुरी लिए हुए हैं।